तो सरकार को भी हम लोग बोल दे रहे हैं कि आप रेल नहीं दीजिएगा तो हम लोग भी आपको 2024 में रेल देंगे। क्या गुना है 1 करोड़ 10 लाख लोगों का? आपके कान में जू नहीं रंग रही है कि ये जो सरकार है ये सरकार माँ की भूमिका में नहीं है, ये माई जो कहती है ये माई कम है और कसाई ज्यादा है, क्योंकि अडानी या मानी की सरकार चल रही है। ये हम लोगों ने ठान लिया है कि रेल नहीं तो रेल देंगे। ट्रेन की मांग को लेकर के तमाम लोग बिहार से चल करके दिल्ली आए हैं और ये सारे लोग हैं, लोग रेल की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इन लोगों को रेल नहीं दे रही है। आप लोगों का 3 दिवसीय सत्याग्रह है, सरकार तैयार नहीं है रेल देने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार रेल देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार को भी हम लोग बोल दे रहे हैं कि आप रेल नहीं दीजिएगा तो हम लोग भी आपको 2024 में रेल देंगे। रेल नहीं दिया तो रेल देंगे? रेल देंगे, रेल देंगे। एक गुंडों की भाषा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? चेतावनी दे रहे मोदी को? गुंडों की भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। मोदी जी से मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। मोदी जी जो कहते हैं कि यह सबका साथ और सबका विकास, तो ये बताइए कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों का क्या गुना है? क्या वो आपको वोट नहीं देते हैं? 2009 से लगातार हम लोग उस क्षेत्र के आम जनमानस NDA के वोट देते हुए चारों सांसद को जिताते आ रहे हैं। चारों सांसद लगातार 2009 से NDA के। पहले आप भक्त थे, ये मानते हैं भक्त थे आप पहले? नहीं, भक्त के बाद क्या, हम लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा, हम लोगों ने वोट दिया। आपका अधिकार है, आप मत दीजिए किसी पार्टी को, लेकिन आप भक्त थे, एक पार्टी को पसंद करते थे आप लोग? नहीं नहीं, पसंद करते थे तभी तो 2009 से लगातार चारों NDA के सांसद हैं। ऐसा भंग क्यों हो गया BJP से? भंग ये हो गया कि आप केवल ये मंदिर मस्जिद और ये आम जनमानस मुद्दों पे आप एक तरफ कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगा, एक तरफ आप तेजस चला रहे हैं, एक तरफ राजधानी चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अरे बताइए, बीटा औरंगाबाद लोगों का क्या गुना है? आप ये बताइए कि क्या गुना है 1 करोड़ 10 लाख लोगों का? आपके कान में जू नहीं रंग रही है। 6 दिसंबर को बीटा रेलवे ट्रैक पे सारे लोग पड़े हुए थे, ट्रेन की बोगी चढ़ा के पार कर दी गई। अब इस स्थिति में भी अगर आप रेल नहीं देते हैं तो फिर अब रेल कैसे दीजिएगा? अब जब आप रेल ही नहीं दीजिएगा हम लोग को, तो हम लोग भी रेलने के लिए तैयार। मिलेगा रेल? देखिए, हम लोग जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसका उसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरी धैर्य का, हमारी धैर्य का परीक्षा सरकार नहीं ले। हम सरकार को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता है कि आपने आजमाया, जब हम लोगों ने अंगड़ाई लिया तो 2016 में 8 घंटा भारत की राजधानी रुक गई और दिल्ली से ट्रेन पटना के लिए नहीं चली, बंगाल की खाड़ी के लिए नहीं चला, उड़ीसा के लिए नहीं चला। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आंदोलन करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले साथियों के साथ पर ट्रेन चलवा देने का काम किया। तो हम लोग आज इतने दिन से सरकार के ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से, लेकिन सरकार गहरी नींद में है। लेकिन जनता जनता एक स्लोगन दे रही है और जनता कह रही है अगर आप रेल नहीं दोगे तो हम आपको वोट भी नहीं देंगे और वो वोट आपके विरुद्ध जाएगा। ये सजा समझना प्रधानमंत्री जी, क्योंकि चारों सीटें उस संसदीय क्षेत्र से आपको गया है जहां रेलवे की पटरियां जाने वाली है, जहां रेलवे चलाया जाना है, और दो दो रेल मंत्री का वहां भरोसा है, दो दो रेल मंत्री ने शिलान्यास किया है, उसके बाद ही आप धोखेबाजी करने का काम किया है। इसलिए जनता 2024 में इनको सजा देगी। अगर कल के बजट में, कल भी हम धरना पर बैठेंगे पत्रकार साहब, कल भी हम इंतजार करेंगे और सरकार के जो साथ जो हमारी बजट है, कल अंतरिम बजट में हम भी निर्णय लेंगे और कल भी हम इस जंतर मंतर से हम निर्णय लेंगे और कल संदेशा देंगे कि ये जो सरकार है ये सरकार माँ की भूमिका में नहीं है, ये माई जो कहती है ये माई कम है और कसाई ज़्यादा है, क्योंकि माँ होती तो ये सबका साथ और सबका विकास की बात किया था, इन्हें प्रॉमिस किया था देश को, लेकिन किसका हुआ? ये सिर्फ अडानी अंबानी का विकास हुआ। अडानी अंबानी आगे बढ़ा, अडानी अंबानी की सरकार चल रही है यहाँ देश की जनता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये साधारण रेलवे वहाँ नहीं चलाएंगे तो वहाँ मोनो चलाएंगे, वहाँ मेट्रो चलाएंगे, क्योंकि वो तो अडानी अंबानी को उनको देना है और ये साधारण रेल भारत सरकार का होगी। बिल्कुल, आप लोग कह रहे कि रेल नहीं तो रेल देंगे, जरूरत क्यों पड़ी? पड़ी, उन्होंने हमारी मांग नहीं पूरी करी तो उन्हें
करेंगे सजा मिलेगी बिहार में। नरेंद्र मोदी इतने सारे काम कर दिए फिर भी आप लोग ट्रेन की मांग कर रहे हैं, छोटा ये मांग बहुत छोटी है, क्या पता उनके इसमें होगा काम, हमारे लोग में तो काम ही नहीं है। 119 किलोमीटर की लंबाई है, आपने पूरे देश में दावा कर दिया कि हम पूरे देश का विकास कर दिए, और रेलवे जो अहम जरूरी है आम जनमानस के लिए, सबको जरूरी है रेल से, औरंगाबाद से लेकर बीटा तक से लाइन का जरूरी है। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को साफ कह देना चाहता हूँ, जैसे अजय भैया ने कहा कि रेल नहीं तो रेल देंगे, ये हम लोगों ने ठान लिया है कि रेल नहीं तो रेल देंगे, और रेल बहुत जरूरी। चलिए बस से चलिए, ट्रेन क्या जरूरी है कि ट्रेन ही जरूरी है, ट्रेन से लेंगे आप लोग। देखिए हर इंसान एक जैसा। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको बता देना चाहते हैं कि ये उस क्षेत्र के आम जनमानस ने ये धरना प्रदर्शन करने का काम किया है, जहां पर पूरे विश्व में अपने ख्याति के लिए प्रख्यात है, वह मगध क्षेत्र के हैं, जहां पर बिंबिसार से लेकर सम्राट अशोक महान से लेकर गौतम बुद्ध का उदय हुआ, और आज भी आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी आम जनमानस चरचर जिला में, चार जिला सत्ता है और चार जिला में भी आज 78 वर्षों के बाद भी आज़ादी के वहाँ के लोग रेल देख नहीं पाए हैं कि रेल क्या होता है, वहाँ पटरियाँ नहीं बिछी। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ जरूर लिए हैं, लेकिन सबका नहीं, किसी खास आदमी का विकास के बारे में हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं। और आपके माध्यम से मैं अष्टमी वैष्णवी साहब से और माननीय नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि आपके चार चार सांसद तीन तीन बार चार चार बार से लगातार वहां जीत रहे हैं, और वहां की जनता अपनी मांग को लेकर यह दिल्ली के आपके जंतर मंतर पर आ गया, मतलब सड़क से लेकर संसद तक आ गया, फिर भी आपके कान पर जू नहीं रख रहा है। तो कल अंतिम आपका जो कलकालीन चलेगा आपका सत्र, बजट है बजट, कल सत्र और बजट में यदि आप इसकी घोषणा नहीं करते हैं तो चारों सांसदों को जीरो पर आउट करने का काम ये जनता करेगी, इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि उस रेल परियोजना के राशि को आवंटित करें और सबका साथ सबका विकास में आप अड़िग आए। चलिए रेल परियोजना की जो राशि है उसको आवंटित किया जाए जिससे ट्रेन को चलाया जा सके। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।